हेलो गाइस, आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो लास्ट में हमने एक्सरसाइज 3.3 के रिलेटेड जो क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं इसके रिलेटेड हमने वो देखा था। मेक श्योर आपने वो वीडियो देख लिया हो। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो हमारा एक्सरसाइज है जो है ये आपको पता ही होगा कि हमारा ये एक्सरसाइज है जो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बेस्ड है। ट्रांसपोज के अलावा मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज मतलब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर भी बेस्ड है। आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोज, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का, हमें उसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ट्रांसपोज करना है। फाइंड ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है। हमें दे रखा है तीन पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें कहा गया है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता ही होगा ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, बट ये बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो हम अपनी प्रैक्टिस को करते जारी करते हैं। लेट्स, हमने क्या किया, ये इसको हमने कहा कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज को मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या फिर ए के ऊपर ए का पावर टी लगा देते हैं, तो उसका ट्रांसपोज आता है वो, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है। तो रो को कॉलम बनाना मतलब ये फाइव रो, ये रो है तो उसको क्या बना देता हूँ, मैं कॉलम बना देता हूँ। ये 1/2 है रो है, ये अलग रो है तो इसको मैं एक अलग कॉलम बना देता हूँ, और ये अलग कॉलम है तो इसको मैं अलग कॉलम बना देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। ये हमारा फर्स्ट का ट्रांसपोज निकल गया। अब सेकंड का ट्रांसपोज देखते हैं। सेकंड का ट्रांसपोज देखिए, अगर इसे मैंने मान लिया ये बी मैट्रिक्स है, तो मुझे अगर बी का ट्रांसपोज निकालना तो बी डैश करना पड़ेगा या फिर बी का ए, कोई आपको एक लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सिर्फ, मैं बी डैश लिखूंगा आगे से, ठीक है। तो आप समझ जान लेंगे मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ बी का, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए करूँगा, अगर रो है तो मैं इसको क्या बना दूँगा, रो को मैं कॉलम बना दूंगा, ठीक है। इस रो को मुझे रो को मुझे सिर्फ कॉलम बनाना है, रो को कॉलम से मतलब है, ठीक है। तो 1-1 ये इस वाले रो को मैं कॉलम बना दूंगा, 2-3, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा बी का वेट, बी का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। हमारा दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, हम इसे नाम देना पड़ेगा सी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मैं सी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, सी डैश निकाल रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ रो को कॉलम बनाना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, -1, 5, 6, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करना है, √3, 5, 6। आई थिंक अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब क्या करना है, 2, 3, -1, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। अब हम बढ़ते हैं, पहले इसे छाप लो आप, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की सेकंड की तरफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, एक दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे बस ये वेरीफाई करा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये वेरीफाई करा रहा है, सेकंड पार्ट आपसे खुद हो जाएगा ये जब ये फर्स्ट पार्ट मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने याद हो आपको देखा था, हमने जब हम प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शायद ये फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी देखा था, उसमें मैंने बताया था आपको ए प्लस बी अगर दो मैट्रिक्स दे रखा है दोनों को प्लस करके अगर आप ट्रांसपोज निकालो तो वो इसके इक्वल हो सकता है, ए ट्रांसपोज या प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग सेपरेट ट्रांसपोज निकाल के उन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसके बराबर भी आ सकता है। हमने वहाँ पर प्रॉपर्टीज देखा था, बस हम यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए पहले क्या कर लो, LHS को सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। LHS के लिए मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए प्लस बी निकाल लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी निकाल रहा हूँ। ए प्लस बी करने के लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1, -4, दैट इज -5, -5, 2+1, दैट इज 3, 3-5, दैट इज 2, 5+1, 6, 7+2, 9, 9+0, 9, -2+1, -1, 1+3, 4, -2+1, -1, दैट इज राइट, -1, 1+3, 4, 1+1, 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, ए प्लस बी आया। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पूरे का क्या करना पड़ेगा, ऊपर डैश लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालने में क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ रो को मुझे कॉलम बनाना है, रो को कॉलम बनाना, रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, -5, 3, ये रो है ना, -5, 3, -2, मैंने इसे कॉलम में चेंज कर दिया, मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं, 6, 9, 9, डन, -1, 4, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया सॉल्व करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको RHS को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो RHS के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, सिर्फ आपको इससे मतलब था ना, यहाँ पे वेरीफाई कर ले, ये हो जाएगा हमारा क्या, LHS वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इसे एक बॉक्स में बंद करके अलग से रख देता हूँ, इसे यहाँ पर मैं RHS को सॉल्व करूँगा, ठीक है। RHS में हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें करना है। तो ए पहले सेपरेट ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे देखो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसको बस कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2,
1 1, ठीक है, ये हमारा क्या आया, ए ट्रांसपोज प्लस ऐसे सेम बी ट्रांसपोज निकालना है, तो -4 1 -5, फिर इसको करना है 1 2 0, फिर करना है इसको 1 3 1, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, -1 -4 दैट इज -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4, 3 + -5 दैट इज -2, 9 + 0 9, 1 + 1 दैट इज 2। अब देखो आप यहाँ पे हमारा क्या आया, RHS आया। अब यहाँ देखो आप RHS हमारे पास क्या, अगर आपको ये सिमिलर दिख रहा है, आई थिंक आपको ये सिमिलर ही दिख रहा होगा क्योंकि ये सिमिलर ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना LHS, तो ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई होगा। अगर RHS इक्वल टू RHS होता है, हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसे आप छाप सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें हमें क्या दे रखा है, ये हमें डेटा दे रखा है, ठीक है, हमें वहाँ पे कहा जा रहा है, हमसे दो पार्ट दे रखा है, इसमें हमें ये बारे वेरीफाई कराना, ये दोनों पार्ट सेम ही है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो मैं इसमें भी आपसे एक ही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बस क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ पे अलग कैसे दे रखा है, वहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था, ए दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए डैश दे रखा है, मतलब आपके पास ए का ट्रांसपोज है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए फाइंड करना पड़ेगा LHS को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, ए आता है, ये मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज का अगर एक बार और ट्रांसपोज निकाल दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए निकालता हूँ पहले, मैं इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, दैट इज 3 को 4, इस रो को कॉलम में चेंज करना है, इसको लिखना है कॉलम में, तो 3 4 लिख दिया मैंने, -1 2 0 और 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब प्लस क्या करता हूँ, बी कर लेता हूँ, प्लस बी, ये वाला बी क्या करना है, इसको -1 2 1 1 2 3, मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को पहले तो ऐड कर लेता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या आया है, ए प्लस बी आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पहले ए निकाला, फिर बी हमारे पास था ही, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास, ये देखो 3 -1 2 -1 + 2 दैट इज 1 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आया, हमें क्या मतलब है LHS को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हाँ हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल दूँगा अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, LHS आ जाएगा। LHS से निकालते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे निकालते हैं, LHS निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैं क्या आएगा इसका ट्रांसपोज करने पे, रो को कॉलम में चेंज करना है, इसको मैं कॉलम में चेंज करना है, 2 1 1 5 4 4, ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। इसको मैं एक बॉक्स में पैक कर देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन अब RHS सॉल्व वेरीफाई कराता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी LHS को सॉल्व कर लिया है, तो मैं इसे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, RHS सॉल्व करना है, तो RHS करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, RHS को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो RHS के लिए मुझे क्या चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश, हमारे पास क्या है, ए डैश दिया हुआ है, ए डैश क्या दे रखा है हमें, 3 - 1 0 4 2 1, ठीक है। मुझे यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई थी कि यहाँ पे देखो ऑर्डर तो मैटर करता है ना, एडिशन मैट्रिसेस में ऑर्डर तो मैटर करता है ना, तो यहाँ पे देखो आप इन अगर आप चाह गलती से करते भी ए प्लस बी कर देते तो यहाँ पे ऐड नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 3/2 का, ठीक है, इसका ऑर्डर 3/2 का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर है 2/3 का, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते थे, तो मैं अभी RHS सॉल्व करने की बात कर रहा था ना, मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ पहले। हमारे पास ए डैश दिया हुआ है, हम बी डैश को निकाल लेते हैं, बी डैश सिंपल निकाल सकते हैं ना हम, इसको हम कॉलम में चेंज करना है, -1 2 1, अब 1 2 3, आप देखो इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो 3 - 1 दैट इज 2, 4 + 1 5, -1 + 1 दैट इज 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 1 4। तो हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गया है, क्या हमारे पास आ गया है, ये RHS है ना, ठीक है, ये हमारे पास RHS आ गया। अब आप जो है ना, हाँ अब आप जो है वेरीफाई कर लो इसको, इसको और इसको वेरीफाई कर लो। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक की है, ठीक है, हमने मिस्टेक कहाँ की आपको याद नहीं आ रहा, हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे देखो, -2 लिखा है यहाँ, +2 आया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम सॉल्व करते हैं आ, आ,
इसे अगर हम ट्रांसपोज इसका निकालने के बाद अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 3 - 1 ही तो आएगा, अगर a11 तो 1 - 1 ही रहेगा, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये +2 रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस लिखा था तो ये हमने गलती की थी। ठीक है, अब देखो आप ये दोनों आपके मैट्रिक्स जो है RHS और RHS देखो आपके सेम आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हमें बस यही तो वेरीफाई करना था। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट पार्ट, तो अब इसे भी कॉपी कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर थर्ड है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। उसमें क्या दिया हुआ है, हमें इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है हमें, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी, क्या हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें, क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है ना, मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे ए ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना। अब हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे हमने क्या देखा था, के अगर ए के साथ ट्रांसपोज हो, सॉरी हमने देखा था के ए अगर ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा था, इसे क्या लिख सकते हैं, के ए के और अलग से ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, हमें बस ये अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, हमारे पास ए ट्रांसपोज दे रखा है और बी का ट्रांसपोज निकालना है, टू के मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करते रहे। बस मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाह रहा था, इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं सारे सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, ए इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमसे कहा जा रहा है वी है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज और इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना। अगर आप सारे क्वेश्चन को अभी तक गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि हम अभी तक सारे प्रॉपर्टीज़ को ही वेरीफाई करते आ रहे हैं। ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है, दैट इज हमने उसमें बताया था रिवर्सिबल लॉ होता है, एन सी आर टी में दिया हुआ है। उसमें क्या होता था, ए बी अगर मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पे सिंपल ये बी और ए का मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो मैं हमें सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो मैं पहले LHS को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। LHS में अगर सॉल्व करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, ए पहले ए और बी का कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ए बी करने के लिए हमें सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करना है, -1, 4, 3। ठीक है, और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो -1, 2, 1 डन। तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए करना है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना। अगर a11 निकालना है, देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स के, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये कितने का ऑर्डर है, 3/1 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका ऑर्डर कितने का है, 1/3 का ऑर्डर। देखो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसका ऑर्डर कितने का मिलेगा मैट्रिक्स का, वो मिलेगा हमें 3/3 का मिलेगा। ठीक है, 3/3 में आपको क्या निकालना पड़ेगा, a11 निकालना पड़ेगा पहले। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको अगर आती होगी, अगर नहीं आती तो पीछे जाके आप सीखो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं बस मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन क्या करना होता है, रो और कॉलम लेना पड़ता है, 1 - -1 - 1। ठीक है, इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब इस सेकंड को देखेगा, मतलब सेकंड वाले रो को देखेगा, सेकंड वाले कॉलम को देखेगा। ठीक है, इसने फर्स्ट वाले कॉलम को खत्म कर दिया, इसमें एक ही एलिमेंट है, सेकंड कॉलम पर नजर मारेगा, 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1। ठीक है, अब इसका काम हो गया तमाम, अब इसका काम होता है स्टार्ट। ठीक है, -4 × 1 - 1 दैट इज 4, प्लस का 4 हो जाएगा, -4 × 2 - 8, -4 × 1 - 4। ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में, 3 × -1 दैट इज -3, 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 1 दैट इज 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास क्या, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया हमने। ठीक है, हमें क्या करना था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला था, अभी हम अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दे तो क्या आएगा, हमारा LHS कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है अब। ठीक है, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, मुझे सिंपली करना क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो -1, 2, 1, 4, -8, -4। अब मैं इसको देखता हूँ, -3, 6, 3। तो ये मैंने क्या कर दिया, LHS को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ RHS को सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको, वेरीफाई होता है कि नहीं होता, सिर्फ सिंपली वेरीफाई तो होगा ही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, RHS सॉल्व कर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमने क्या किया है, अभी LHS को सॉल्व किया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, इसे मैंने बॉक्स में पैक कर दिया। अब मैं करता हूँ b और a डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मुझे b डैश निकालना पड़ेगा ना, तो b डैश हमारे पास क्या आएगा, सिंपली हमें क्या करना है, RHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, b डैश को पहले मुझे b डैश निकालना पड़ेगा। b डैश निकालने क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है, -1, 2, 1, एक ही रो है इसमें, तो मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, एक ही वन बाई ए क्या बन गया हमारा, कितने का मैट्रिक्स है, 3/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे इसमें a डैश निकालना है, a डैश मतलब रो को कॉलम में चेंज करना होता है। ठीक है, तो 1, 1, -4, 3, तो ये मैंने क्या कर दिया,
आपका भी एट ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, पहले मैं चेक कर लेते हैं ऑर्डर कितने का कितने का मिलेगा। तो 3/1 का ये मैट्रिक्स है, और ये कितने का कितने कितने, ये भी कितने का कितने का, ये 1/3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर देखो हमें कितने का कितने का, सेम 3/3 का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, 3/3 का ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, ये सेम ऑर्डर मिलेगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × -1 − 1 − 1 − 4 दैट इज़ 4, −1 × 3 − 3, इसने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको इसकी बारी आ गई है, 2 × 1 = 2, 2 × −2 − 4 दैट इज़ −8, 2 × 3 दैट इज़ 6, 1 × 1 दैट इज़ 1, −1 × −4 दैट इज़ −4, 1 × 3 दैट इज़ 3। तो ये हमारे पास क्या गया, देखो ये हमारे पास क्या गया, RHS आ गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा क्या आ गया, सिंपली वेरीफाई हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को करते हुए। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।